लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। जिनको देखकर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, यहाँ के मंदिरों में कई चमत्कार देखने को मिलते हैं। आज हम आपको ऐसे ही चमत्कारिक मंदिर के बारे में बताते हैं जिसके चमत्कार से आपको भी अचंभा होगा। शिव मंदिर में शिवलिंग पर ज्यादातर बेलपात्र या धतूरा या दूध चढ़ाते हुए तो सुना होगा, लेकिन इस मंदिर में शिवलिंग पर झाड़ू चढ़ाई जाती है और इस खदू चढ़ने से हमारी कई बीमारियों से हमें मुक्ति मिलती है। ये मंदिर है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के बिहाजोई गांव जहाँ पर शिव जी का काफी पुराना मंदिर है जिसका नाम शिव पातालेश्वर है। जहाँ पर हर सोमवार को वह के लोग झाड़ू चढ़ाते हैं और यह पर झाड़ू चढ़ाने से हमारे जो भी त्वचा संबंधी रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, ऐसा यह पर सदियों से किया जा रहा है। इस मंदिर में ऐसा करने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल इस गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम भिखारी दास था और वो बहुत ज्यादा पैसे वाला था, लेकिन उस व्यापारी के शरीर पर काले धब्बे थे जिससे उसको काफी असहनीय दर्द सहना पड़ता था और उसे इस रोग से कहीं भी छुटकारा नहीं मिल रहा था। एक दिन इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए वो एक वैद्य के पास गया। जब दूर रास्ते में जा रहा था तो उसे बेहूद जोर की प्यास लगी। उसे वहीं पर एक आश्रम दिखाई दिया जहाँ पर वो अपनी प्यास बुझाने के लिए गया। जैसे हो वो व्यापारी उस आश्रम के अंदर गया, वहीं पर एक साधु उस आराम की सफाई कर रहे थे और उस झाड़ू का स्पर्श उस व्यापारी को हो गया। उस झाड़ू के छूने मात्र से उसके सारे कष्ट मिनटों में खत्म हो गए। जब उस व्यापारी ने इसका कारण उस साधु से पूछा तो उन्होंने भगवान शिव का चमत्कार बताया इसे और वह उनका बहुत बड़ा भक्त है। उस व्यापारी ने खुश होकर उस साधु को खूब सारा धन देना चाहा, लेकिन उस साधु ने धन लेने से मना कर दिया और कहा कि वो इस जगह पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवा दे। और भिखारी दास ने ऐसा ही किया। उसके बाद से यहाँ पर इस मान्यता का प्रचार हो गया कि वहाँ पर झाड़ू चढ़ाने से त्वचा संबंधी सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है।